सुपरस्टार रणबीर कपूर की सुपरहिट फिल्म एनिमल को लेकर हाल ही में डिग लेते नजर आए इमरान खान, यानी कि चुटकी लेते हुए उन्होंने रणबीर की फिल्म को लेकर अपनी असहमति जताई है फिल्म ने उनके कैरेक्टर को लेकर। इमरान का स्टेटमेंट वाकई में रणबीर कपूर को बड़ा झटका देगा। रणबीर को निशाने पर लेकर इमरान खान ने जो कहा आपको बताना चाहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री को सालों छोड़ चुके इमरान खान को आपने फिल्म मैं हूं ना में देखा होगा, क्या लाजवाब उनकी एक्टिंग थी। खैर, स्पाई थ्रिलर को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म को लेकर उन्होंने कहा, बैलेंस को ग्लोरीफाई करना मेरे लिए आज की डेट में संभव है, मैं इस चीजों को सहमति नहीं देता। संदीप रेड्डी बंगा की एनिमल फिल्म जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी इस साल की, 737.5 करोड़ रुपए कमाने वाली रणबीर की इस फिल्म की बात करें तो इसमें वायलेंस खूब दिखाया गया है और काफ़ी नेगेटिव लाइमलाइट जनरेट करने वाले इस फिल्म ने खूब कामयाबी बटोरी। एक्शन को फैंटास्टिक तरीके से दिखाने वाले इस फिल्म को खूब प्यार तो मिला, लेकिन इमरान को ये रास नहीं आया। इमरान ने डायरेक्टली अपने कंटेम्प्ररी रणबीर की फिल्म एनिमल पर टॉन्टिंग मैसेज दिया। इमरान ने स्टेटमेंट दिया, वो इस तरह की चीज़ों को लेकर कभी कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते जो चीज़ आज की डेट में दिखाया जा रहा है, बैलेंस को ग्लैमराइजेशन के साथ पेश करना सरासर सही नहीं। जी हाँ, इमरान ने कहा, आई हैव अ सेंस अबाउट वेयर सिनेमा इज दिस डेज, देयर इज अ ग्लैमराइजेशन एंड फैटिसाइजेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन ऑफ बैलेंस दैट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल। There is a way to portray violence. This is not a morality thing. Violence and actions are it in our language and cinema, but when we communicate it, when we portray it in films, there is a way to do it where you feel the weight of it. Action lives ripping report. के साथ आपको बता दें, इमरान ने आगे कहा, हम आजकल ऐसी फिल्में बनाने लगे हैं जिसमें एक्टर्स बस बूम 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 शूट करने लगे हैं, सात लोग माथा पे रहते हैं और उनके माथे पर म्यूजिक लोड कर दिया जाता है एंड देन कूल और सक्सेस बना दिया जाता है उन्हें, और ये मुझे अनकम्फर्टेबल फील कराता है, ये बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं करना चाहता जो कि गन से सॉल्व करे प्रॉब्लम। ये सीधा रणबीर पर ही उनका निशाना था। रणबीर ने एक बार रिवील किया था इमरान से वो जेलस है भी या नहीं, आपको वो दिन भी याद दिलाना चाहेंगे हम। जी हाँ, रणबीर और इमरान के बीच की बॉन्ड की बात करें, एक चैट शो में नज़र आए थे। इमरान वो है जो कि अपने करियर को छोड़कर एलडीस इंटरेस्ट दिखाकर हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर जाकर सबको चौंका गए थे। रणबीर ने उन्हें लेकर ये बताया था कि वो अनबॉर्डर्ड है, लोगों को कुछ भी लगे। नेक्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग को